last. Oh, here we go, go, go. Let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. So hello everyone, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं TWL. Finally आज हम आ चुके हैं vlogging वाले अपने स्टाइल में वापस लखनऊ के एक बहुत ही जबरदस्त जगह जो कि है शहादत अली खान का मकबरा। अब आप पूछेंगे ये कहाँ पर है, तो फिलहाल ये है लखनऊ के कैसरबाग के बहुत ही एक मेन एरिया में। और जिस मॉन्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम आए हैं, इसको किसी ने आज तक कवर नहीं किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं मॉन्यूमेंट कहाँ है, कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती कैसी है और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, तो बने रहो इस व्लॉग में, पूरा एंड तक देखो इस व्लॉग को और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप कर रहे हो कंजूसी, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और लाइक करना और शेयर करना तो ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्लॉग को और एंजॉय करिए हमारे साथ इस पूरे ब्लॉग को। तो जैसा कि आप देख सकते हो यार, ये है एक मकबरा और अगर हम बात करें तो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है। ये है मेन वो मकबरा जो कि आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखने में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत खूबसूरत है और जिस तरह से गार्डन का साइड का जो एक इम्पैक्ट है जो कि बना हुआ है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा देख करके कि भाई साहब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फील आ रही है ताजमहल टाइप की। पर हाँ, ताजमहल ऑब्वियसली बात है उसकी तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही अंडररेटेड ये मकबरा है लखनऊ का। अभी तक किसी ने शायद इसको शूट नहीं किया है, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इसको शूट करने के लिए। और मैं थोड़ा सा आपको अल्ट्रा वाइड में कुछ शॉट्स दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मकबरा ऐसा देखने में है। और चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि व्यू काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा एक और मकबरा, ऐसे पूरा आपको यहाँ पर अच्छा सा व्यू देखने को मिलेगा। और आज वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, नो डाउट, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, इस मॉन्यूमेंट को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा है, बिल्डिंग्स की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी है। तो अगर मैं बात करूँ इसके ईंटों की, तो ईंटें इसमें जो यूज़ हुई हैं वो हुई हैं लखौरी ईंटें। और बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है वो पूरा बिल्ड हुआ है आपका चूनों को जोड़ करके बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कितना पुराना और कितना ओल्ड है। जैसा कि आपने देखा, ये है शहादत अली खान का मकबरा। थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश की और बाकी थोड़ा बहुत फुटेज अभी और आप देखेंगे अंदर जा करके। सो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कैसरबाग में और काफ़ी अच्छी एक छोटी सी मॉन्यूमेंट, छोटी नहीं मतलब इन द सेंस काफ़ी बड़ी मॉन्यूमेंट है, लेकिन हाँ स्पेस वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पेस आपको चारों तरफ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। एक मकबरा आपको इधर पीछे दिख रहा है मेरे, आके देख रहे होगे आप, और एक आप ये वाला देख रहे हो पार्टी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसमें कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं पॉइंट पे, बिकॉज शायद मे बी आई थिंक ये ASI को अभी पूरी तरह से हैंड ओवर नहीं किया गया, एक रीज़न ये भी है। दूसरा ये मॉन्यूमेंट जो है क्या कहते हैं वो आपका बेसिकली क्या कहते हैं अभी ओपन टू टूरिस्ट नहीं है, मेन चीज़ ये है। बहुत लोग जानते नहीं भाई, तो इसके बारे में लोग जानते नहीं, ऑन द रोड पड़ता है। तो आप मैं आपको बताऊंगा अभी बाहर की तरफ में किधर की तरफ पड़ा है। आप सभी को अगर आना चाहते हो बिना लोकेशन के बता दें, परिवर्तन चौक देख रहे हो ना, परिवर्तन चौक के जस्ट बाएं साइड पड़ता है। तो आप लोग वैसे ही अगर लखनऊ में रहते हैं जानते हो। अगर और बात रही आप लोग सस्ता मतलब भाई आप यहाँ पर देख रहे थोड़ा तो उसी आती है, लेकिन नहीं करते बिल्कुल भी लेकिन आप लोग कुछ देखना चाहते भाई लोग अगर आना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दिया हूँ ना, तो आके देख लेना। भाई के चैनल पे आ ही रहा है तो भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। और भाई आपको इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाले हैं पूरी, मतलब कि अब वीडियो बनाना शुरू हो गई है भाई, भाई ने बना स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक, और यहाँ का व्यू इन्जॉय करो आप सभी लोग। कैसरबाग स्थित शहादत अली खान का मकबरा एक ऐसी जगह जहां बेजुबान पत्थर भी कलात्मक कहानियां कहते हैं। लखनऊ को इमारतों के शहर का खिताब यूँ नहीं मिला है। आमिन उद्दौला नवाब शहादत अली खान आसिफ उद्दौला के बेटे और अवध के छठे नवाब थे, जिनकी मृत्यु 1814 ईस्वी में हुई। इससे पहले उनको बेगम खुर्शीद जदी का उनका इंतकाल हो गया था। शहादत अली खान ने यह मकबरा बनवाना उन्हीं के याद में शुरू किया था। शहादत अली खान के जो पुत्र हैं उनका नाम है गाजीउद्दीन हैदर, जिन्होंने कैसरबाग में अपने महल को तोड़वा करके उसकी जगह शहादत अली खान का मकबरा बनवाया था। इस मकबरे में 3 मंजिल का ये मकबरा आप जैसा कि देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा,
और यहाँ पर आपको जो ये स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा लखौरी ईंट से बना हुआ है, जो कि स्ट्रक्चर सेम आपको देखने को मिलता है दिलकुशा कोठी में और विलायती बाग में आपको देखने को मिला है। और इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें वो ये लखौरी ईंटों से इसको बनाया गया है, और जिसमें आपका क्या कहते हैं चूने का जो कॉन्सेप्ट है उसको मिक्स करके, मतलब उसको इससे बेस बना करके इसको क्रिएट किया गया है। और अगर इसको अगर आप थोड़ा जानें तो इसमें कर्ज बलुआ पत्थर से बना है, शतरंज की तरह से नुमा स्ट्रक्चर इसमें देखने का आपको मिलेगा। ऊपर का जो हिस्सा है उसमें गुलदस्ता भी आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप देखते हैं। और पीछे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो वहां पर आपको सादत अली खान की 3 बेगमों की कब्रें दिखाई देंगी। पूरब में उनकी 3 बेटियाँ दफन हैं, और उन गुंबद के ठीक नीचे जो हैं, जो कि मेन गुंबद जो मेन मकबरा है, वहाँ पर सादत अली खान का जो कब्र है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये था पूरा व्लॉग जिसमें आपने देखा सादत अली खान का मकबरा, और आपको मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई। हाँ, हालांकि हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई अंदर जाने में, परंतु आपका भाई वैसे भी आपको पता है कि भाई फुटेज चाहिए तो चाहिए, तो फिर वो निकल के आएगी चाहे वो जैसे भी आए। तो हमने अंदर की कुछ फुटेज अपनी तरफ से कोशिश की है निकालने की और आपको इसमें दिखाया। अगर आशा करते हैं आपको यार ये ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसको बहुत बड़ा एक लाइक देना है, शेयर करना सबके साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आप साथ एक नई और नेक्स्ट अच्छी धमाकेदार लोकेशन पे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ और गुड बाय। बाहर भी नहीं अलाउड है, अंदर की बाहर। अच्छा।